शुरुआत करते हैं नए व्लॉग का। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज लास्ट एग्जाम है। तो अभी एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और ये रेस्टोरेंट में आए थे हम लोग, क्योंकि बहुत धूप है तो अभी दूसरे एग्ज़ाम के लिए ब्रेक है, तो इसलिए मैं इधर आया। अभी दूसरा एग्ज़ाम लिखने जाना है, वो लास्ट एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। सुबह से मैंने शायद एक आइसक्रीम खाया था, वो भी एग्ज़ाम के बीच में, एक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने आइसक्रीम खाया था। वो अभी हम आए थे मेरे पापा के फ्रेंड स्लैश कलीग के घर पे खाने। तो अभी जाके घर पहुंचे, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। तो खाने में आपने देखा होगा वो एक्चुअली मैदा नहीं था, वो वीट का जो मंगलूर बंस कहते हैं वो था, गेहूं का बना हुआ था। आई थिंक उतने कैलोरीज नहीं है, मैंने सिर्फ दो खाए एंड एक डोसा था, फिर घर का ही खाना था तो सब्जी भी और चटनी भी, एंड बहुत ही कम ऑयल था उसमें। तो आज सुबह से अगर काउंट करें तो मैंने फ्रूट्स नहीं खाया था आज सुबह। एक आइसक्रीम खाया था, वो भी एक एग्जाम के बाद बीच में एक आइसक्रीम खाया था, वो अराउंड होगा 200 कैलोरीज का। आज फिर से लग रहा थोड़ा हैवी हो गया, लेकिन ठीक है क्योंकि एक ही मील खाया, थोड़ा हैवी हो गया। टायर्ड तो हो गया क्योंकि सुबह से एग्जाम लिख रहा था, अभी 8 बज रहे हैं। देखते हैं, लेट नाइट वर्कआउट करना पड़ेगा आज भी। एनीवेज 2 डेज आउट, 2 दिन बचे, सिर्फ 2 दिन। लेकिन मैं रिजल्ट आपको यूजुअली 4 दिन बाद दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि बॉडी को रिजल्ट दिखाने में टाइम लगता है, 4 दिन बाद रेडी रहना। एक्चुअली आज सुबह 6 बजे से उठा हुआ हूँ एग्जाम के लिए, बहुत दूर भी था सेंटर तो इसलिए आने जाने में सेंटर में ही 5 बज गया, उधर ही थे, बहुत धूप भी था इसलिए सुबह से मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया था, तो इसलिए मैं सिर्फ 2000 स्किपिंग रोप्स करके सो गया। फिर अभी जैसे उठा हूँ रात के 3 बज रहे हैं, जल्दी सो गया इसलिए अभी नींद खुली हुई है। तो मैंने सिर्फ 2000 स्किपिंग रोप्स किए और कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इतना टायर्ड फील कर रहा था। उतना काफी रहेगा 2000 स्किपिंग रोप्स भी, 300-400 कैलोरी बर्न करते। लेकिन हाँ, आज मैंने बहुत ही हैवी खा लिया था, वो अलग बात। लास्ट के 3 दिन में नहीं खाना चाहिए था, सॉरी 2 दिन, आज के 2 दिन में नहीं खाना चाहिए था। एनीवेज आज डे क्या है, आज फ्राइडे है ना, तो आपको रिजल्ट दिखाऊंगा मंडे। मंडे अगर हम 61 भी टच करते हैं देन द चैलेंज इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। 60 हो गया तो और अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मैंने 67 से गिरा था, अगर जो नए देख रहे हैं, मैंने चैलेंज शुरू किया था 65 से 65 किलो कम करने का। एक्चुअली फिर 3-4 दिन बाद बहुत ही, मैं घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ तो वेट उल्टा बढ़ गया, मैं जंक फूड खा रहा था, तो 67 हो गया। अभी 67 से अभी हम 62 पे हैं, 5 किलो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, लेकिन फिर भी टेक्निकली देखे तो 60 पे पहुंचना है, तो अभी हम 62 में ही है। 2 दिन है, 2 दिन देखना, मेरे को कुछ नहीं खाना है यूजली, तो अगर मैं कुछ खाऊंगा तो दिखा देता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। एंजॉय कर रहे तो लाइक बटन को क्लिक कर दो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।